इस मोटिवेशन क्लास सेमिनार के माध्यम से हम लोग धर्म को व्यवहारिक जगत पर स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारे देश का जो धर्म था, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी सभ्यता था, वह मनुष्य के जीवन में प्रयोग के बतौर उतरता था, केवल जिह्वा पर नहीं, अंतःकरण में उतरकर उनके सेल को परिवर्तन करता था, उनके जीवन में सोई भी चेतना को, उनकी ऊर्जा को जागृत करने का विज्ञान था। इसलिए देखिएगा, अनेकों ऐसे उदाहरण हमारे देश में पड़े हैं जिनका जीवन, चाहे शरीर के रूप में कहते हैं, एक ऐसे कई ऋषि हुए, चवन ऋषि का नाम आता है कि भले वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे और ना जाने कितनी प्रकार की व्याधियां उनके जीवन को घेर लिया था और उन्हें अध्यात्म का अवलंबन लिया, तो चवन ऋषि के नाम से भी चवन प्रास बाजार में आ रहा है। वो एक सूत्र दिया, तो वो सूत्र जितना भी जो अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति, उसका जो रिसर्च सेंटर रहा है और उसके जो साइंटिस्ट रहे, उसके वैज्ञानिक रहे, तो भारतीय धर्म को उन्हें व्यवहारिक धरातल पर उतार करके और उन्हें अध्यात्म का एक डॉज बनाया। जैसे अब चिकित्सक के पास आते हैं, कहते हैं ये हड्डी स्पेशलिस्ट है, ये ब्रेन स्पेशलिस्ट है, ये कहिए कि हृदय स्पेशलिस्ट है, ये मेंटल स्पेशलिस्ट है, अलग अलग विषयों के। वैसे ही विविधताओं से जो प्रॉब्लम हमारा रहा भारत का या मानवता का, उसमें अलग अलग सेक्टर पर जो रिसर्च करने वाले रहे, उन्हीं का नाम ऋषि रहा। और उसी ऋषियों के द्वारा रचित या जो वेद है, जो आयुर्वेद है, जो पतंजलि योग सूत्र है, योग कहिए एक कोने में दुबक पड़ा था मध्यकालीन युग में, लेकिन योग की वैज्ञानिकता को जब आज स्वीकार कर लिया गया, तो पूरी मानवता मंदिर से मस्जिद तक, गिरजा से गुरुद्वारा तक, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर यूरोपीय देश तक, सभी लोगों के अंदर से एक ही उद्घोष निकल रहा है, करें योग रहे निरोग, करें योग रहे निरोग। तो जितना भी व्यवहारिक धरातल, अभी मटवारी में 108 कुंडीय गायत्री माया को, तो बहुत लोगों के मन में कि ये फट स्वाहा 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 कर रही है, फट स्वाहा नहीं है, बल्कि आज जो वेरिएंट आ रहा है, वायरस आ रहा है हवा में, जो चेचक का है, चिकनगुनिया का है, चाहे कोरोना का है, तो जो हवा में रोग के कीटाणु घुल गए हैं, और आज मेडिकल साइंस अभी तक जो हमारा इतना प्रगति किया है, वो केवल शरीर तक प्रगति कर पाया। किडनी खराब हो गया तो उसके लिए ट्रांसप्लांट कर देगा, किडनी का डायलिसिस कर दिया, फेफड़े का ट्रांसप्लांट कर दिया, गुर्दा को ट्रांसप्लांट कर दिया, माइंड ये कहिए कि हृदय में चक्र में खराबी है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हड्डी टूट गई तो उसको जोड़ देगा। लेकिन जो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रिसर्च में पाया गया, वो शारीरिक व्याधि नहीं है। शारीरिक व्याधि का शुरुआत मन से शुरू होता है। यदि आदमी का मन ठीक हो जाए, यदि विचार पर फुलित हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो उनके शरीर में रोगों का कोई नाम हो ही नहीं सकता। यदि शरीर में हमारा लोभ ज्यादा सता रहा है, तो समझिए उस व्यक्ति को कब्ज हो जाएगा। अभी ऐसे साइकोलॉजी वाले रिसर्च कर रहे हैं। यदि किसी बहु बेटी बहन के प्रति या कैसा मन में काम वासना का विकार आ रहा है, तो उससे हमारा क्या है, डिप्रेशन का हम रोगी बन रहे हैं। उसका अलग जो शरीर में जो आधी व्याधियां, आज जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वह शरीर के उपचार का तो बहुत सारा उपक्रम अपना लिया, लेकिन मन की चिकित्सा कैसे किया जाए, भावनाओं का उपचार कैसे किया जाए, ये अंतःकरण को निर्मल कैसे बनाया जाए, WHO की परिभाषा में आज के मनुष्य को कैसे खड़ा किया जाए, फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल। आज आदमी के शरीर में पेट में पूरा गैस भरा हुआ है, आज मस्तिष्क में डिप्रेशन भरा हुआ है, आज हृदय हमारा कहिए कि रोगों का घर बन गया है, संकुचित हो रहा है, फेफड़ा धूम्रपान के कारण सिकुड़ करके 4 किलो ऑक्सीजन के बदले 400 ग्राम भी धारण नहीं कर पा रहा है, और ऐसे सड़े ऐसे फले ऐसे व्याधियों से ग्रस्त जब हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो ये डिजिटल इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, एक मेड इन इंडिया, ये कैसे प्रफुल्लित होगा। यह टेक्नोलॉजी का विकास तो आज हो गया, बुद्धि का भी विकास हो गया है, लेकिन विश्व में आज एक चीज की बड़ी जरूरत है और पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है, वह क्या है, सद्बुद्धि का टेक्नोलॉजी, सद्बुद्धि का प्रकाश, सद्भावना, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाए। इसमें व्यवहारिक अध्यात्म के पंचशील सिद्धांत को हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले रिसर्च किया। पहला आयाम था स्वस्थ शरीर, कहते हैं स्वस्थ शरीर ही हमारा स्वस्थ आधार है। स्वस्थ काया जिसका नहीं है, वो संसार में किसी भी सेक्टर में सफल नहीं हो सकता। और विद्यार्थी जीवन केवल एक अच्छा नंबर लाने का ही नाम नहीं है, बल्कि इसी विद्यार्थी जीवन में, इसी किशोरावस्था में हमारे अंदर वीर्य बल का, हमारे अंदर ऊर्जा का, हमारे अंदर वो फौलादी ताकत का, हमारे अंदर के हीमोग्लोबिन को स्टोर करने का ये वक्त था।
अपने शरीर को फौलादी बनाने का वक्त था। यह पहला आयाम था पंचशील का, स्वस्थ काया। दूसरा आयाम था हमारा सकारात्मक चिंतन। चिंतन में यदि निगेटिव भरा है, डिप्रेशन भरा है, कुंठाएं भरी है, निराशा भरा है, तो आदमी आगे मंजिल नहीं। कहते ना एक छोटा सा परिकर घोरंदा आदमी कैद हो जाता है। बोलाकर आपके मन में थी मैं तो छोटा क्यों, एक बड़ा लक्ष्य को अब तय करिए। अगर स्वार्थ में ही जीना चाहते हैं तो एक ऐसा ऐसा बड़ा स्वार्थ लीजिए, ऐसा बड़ा स्वार्थ। हमारा स्वार्थ क्या है कि पूरा हजारीबाग के माध्यम से झारखंड के हर युवा तक सद्बुद्धि का प्रकाश पहुंचा दे। तो एक जो छोटा एक स्वार्थ क्या है कि मेरा बेटा एक केवल सेट करता है, लेकिन उस स्वार्थ को एक बड़ा स्वार्थ में परिणत कर दिए। केवल मेरा बेटा ही क्यों, हजारों युवा जो भटक रहा है उनको हम व्यसन मुक्त बनाए, उनके अंदर सकारात्मक चिंतन बनाए। तो मस्तिष्क में सकारात्मक चिंतन करना व्यवहारिक अध्यात्म का ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू है व्यवहारिक अध्यात्म का, केवल सकारात्मक चिंतन ही नहीं बल्कि अपने मन को अपने आत्मनिर्भर, कहते हैं स्वावलंबी, अपने पैर खड़ी हो माता स्वावलंबी को कौन सताता। ये तीसरा अहम आदर्श जो हमारा महत्वपूर्ण सोपान है, जहां आत्म सम्मान का विकास होता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक हम प्राश्रित रहते हैं, जब तक हम प्रावलंबी रहते हैं, तब तक हम हमारा जीवन एक अभिशाप के बराबर है। तो अध्यात्म का तीसरा व्यवहारिक पहलू कहता है कि हम स्वावलंबी जीवन की ओर बढ़े, स्वावलंबन। जैसे जापानी नागरिक, जापानी युवा स्वावलंबन कैसे, टेक्निकल वर्क हम सीखें कि केवल सरकारी जॉब के भरोसे हम बैठे नहीं रहे, कुछ ना कुछ वर्क अपने जीवन में स्टार्ट करें। और चौथा सोपान है भावनात्मक संतुलन, कर्तव्य प्रायणता। आदमी आज भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है, किसी चीज में मन लग गया तो केवल चिंतन वही चलता रहता है, बड़े लक्ष्य पर गोल। ये भावनात्मक संतुलन बड़ा जरूरी है। अगर हम एक छोटे से चीज में गंदे विचारों में हमारी भावना घुल गई तो वह वही बात हो गया, जैसे कहते हैं मधुमक्खी और एक वो मक्खी जो मक्खी गंदगी पर बैठती है और मिठाई पर भी बैठती है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो पराग पर ही बैठती है, फूलों पर बैठती है और मधु का निर्माण करती है। तो हमको इस तरीके से भावनात्मक संतुलन का संचय, हमारी भावनाएं शुद्ध हो, ये WHO कहता है भावनात्मक, ये जो अध्यात्म के द्वारा। और ये चारों चीज जब आपस में मिलता है, चार गो, स्वस्थ काया, सकारात्मक चिंतन, आत्मनिर्भर जीवन और भावनात्मक संतुलन, तब हम व्यवहारिक अध्यात्म के धरातल पर खड़ा होते हैं। तब व्यक्ति का जो कहा जाता है सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश और पांच देव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने पूरा बिना किसी भेदभाव के पूरी मानवता के धरातल पर पूरी दुनिया के लिए उन्हें कहा, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। पूरी दुनिया के लिए व्यवहारिक अध्यात्मवाद का मॉडल खड़ा किया। लेकिन अभी जो हमारे सिविल इंजीनियर भाई साहब ने कहा कि उसकी प्रथम क्रांति कहां से होगी, तो गायत्री मंत्र की उपासना। गायत्री मंत्र का जप एक ऐसा औषधि है जो सबसे पहले हमारे जीवन में सकारात्मक चिंतन लाता है। और सकारात्मक चिंतन जैसे हमारे जीवन में शुरू होता है, उसका स्वस्थ काया का निर्माण भी शुरू हो जाता है, प्राण शक्ति का संवर्धन भी होना शुरू हो जाता है। और फिर जीवन में जब सकारात्मक चिंतन होगा, जब हमारा दिमाग भटकेगा नहीं, तो गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति, जॉब के प्रति एक स्वावलंबी जीवन की ओर हम बढ़ता चले जाएंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगा। इसी संक्षिप्त उद्बोधन के साथ, योग ऋषि के संदेश के साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद सभी साथियों, भाई बहनों को नमस्कार।